आई है, ज्यों चाक गुंगा मुस्काने। किसे दसना होवे ना कि मिठे का स्वाद की हुंदा है, ते उन्हों बंदा दस सकदा कि जिस तरह शहद मिठा हुंदा है, जिस तरह मठियाई मिठी हुंदी है, जिस तरह खजूर मिठी हुंदी है, इस तरह का मिठा हुंदा है। ते जिन्हें कदी मिठा चखिया ही ना होवे, उसनों दसना बड़ा मुश्किल है। किसी ने गुलाब का फुल ना वेख्या होवे, उन्हों दूसरा फुल विखा के चमेली का गेंदे का फुल विखा के उन्हों दस्या जा सकता भी इस तरह का ही गुलाब का फुल होता है। पर जिन्हें कभी फुल ही नहीं वेख्या, उन्हों दसना बड़ा मुश्किल है। गुरु साहब कहते हैं, कहो नानक संतन रस आई है। वो रस कदों आता है, वो कदों अवस्था यह बनती है जिदा जिक्र, जिस सहज अवस्था का जिक्र धन गुरु अर्जन देव महाराज कर रहे हैं। ज्यों चाक गुंगा मुस्कार है, जिन्हों रस आ भी जाए वह उन्हों बयान नहीं कर सकता, अखरों के विच दस नहीं सकता। अक्षर का मतलब होता है जिहड़ा लिखिया ना जाए, अक्षर का शब्द जो शब्द का असली अखरी अर्थ है। अक्षर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं जिहड़ा जिहड़ा लिखिया जा सके, ते अक्षर बोलते हैं जिहड़ा ना लिखिया जा सके। अखरों के विच शब्दों के विच रब के रस का बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरह किसी को पानी की प्यास लगी है, तुसी सारा उन बायोलॉजी का H2O का पूरा फार्मूला समझा दे, सारा विज्ञान सिखा दो पानी का, पर जिन्हों पानी की प्यास लगेगी वह कहता बंद करो इसका, इस कथा को बंद करो, मैनू प्यास लगी है पानी पियाओ, मैं पानी के विज्ञान तो की लैना, मैं इस चर्चा तो इन्हों कथा कहानियों तो की लैना, मैं तो पानी दो। ते जब तक अंदर प्यास नहीं उपजती उदों तक प्यारा नहीं मिलता, उदों तक तेरे दरवाजे ते दस्तक नहीं दिंदा। कई बंदे संसार च पुछदे ने नाम किस तरह जपिए, अजे प्यास नहीं लगी। जिहदे अगों जिहनूं प्यास लगी होवे, पानी अगे पिया होवे किसे दे, ते पुछदा पानी किदां पीणा, अजे प्यास नहीं लगी। सामने भोजन पिया होवे, ते बंदा पूछे भी भोजन किस तरह खाना, ये खाने की टेक्नीक है, नाम जपन की टेक्नीक है, अजे भोजन की भुख नहीं लगी, अजे प्यास नहीं जाती, अजे अंदर रस जिहड़ा है वो पैदा करने वास्ते हिरदा नहीं बने। तो जब तक वह नहीं बनता, उदों तक परमार्थक रस के लिए नसीब नहीं हो सकता। कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाक गुंगा मुस्कारे। वो आदमी जेड़े ने भगत जन जेड़े ने, उन्होंने तुम मुस्कुराते ही वेखोगे, उन्होंने सदा तुम खेड़े में ही देखोगे, सदा ही आनंद के सदा ही उल्लास के देखोगे। वो कभी भी परेशान नहीं होंगे, भावें जिन्या मर्जी परेशानियों के लंघ जा। कभी इतिहास पढ़ के देखना, जिन्हें भगत होए ने, संत होए ने, महापुरश होए ने, उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी है आम बंदे दी जिंदगी तो मुश्किल लंघी। असीं ते मन दे विच कोई थोड़ा जा कोई ख्याल आ जावे, जां संसार विच थोड़ा जा संकट आ जावे, ते डोल जांदे आ। ते जिन्हां दे सिर दे उत्ते आरा भी चलदा होवे, बंद बंद भी कट्टिया जा रहा होवे, उह उसे तरह अडोल बैठे रहिंदे, जपजी उन्हां दे कंठ दे उत्ते हुंदी, उह नहीं डोलदे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रसन्नता उस खेड़े उस रस में प्राप्त कर लिया, हुण उन्होंने कोई मार नहीं सकता। गुरु की बाणी जिहड़ी है एक खेड़ा बख्शिश करती है, एक आसावादी है, जीवन के बहार लैके आती है, जीवन के प्रफुल्लता लैके आती है। सो सतसंग जी जितना भी हो सके जीवन के बाणी आधार बनाओ, ये
साढ़े सारे जीवन के प्रफुल्लता खुशी खेड़ा जो है वो आ सकेगा। कीर्तन की समाप्ति है, दास का समा समाप्त है और इस बार इस टूर का यह दास का अज का यह आखिरी समागम सी। नदी नाम संजोगी मेले अगू सतगुरु ने अंजन लिखिया इतने तो फिर आप जी के दर्शन करा गए। उन्होंने चुका की खेमा सरदार जसविंदर सिंह की झंडी उन्होंने सी धनवादी हाँ जिन्होंने सानू इंग्लैंड तो कॉल कर